कि वासंतिक नवरात्रि में यानी चैत्र नवरात्रि में नेपाल से पात्र देवता के रूप में जब रतननाथ जी की सवारी यहाँ पर आती है तो ये सवारी केवल एक सामान्य सवारी न होकर के भारत और नेपाल के प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम भी प्रदान करता है। नेपाल और भारत दो देश हैं, लेकिन अध्यात्म और संस्कृति हम सब की एक है। जैसे दो शरीर हैं, लेकिन दोनों शरीरों में एक आत्मा निवास करती है, और यही कारण है कि हर नेपाल का व्यक्ति अपने धाम की ओर जब देखता है तो उसे भारत के चार धाम नजर आते हैं। हर भारत का वासी जब नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर को देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं भी एक बार भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करके वहां पर बागेश्वरी के तट पर स्थित इस पावन मंदिर में दर्शन कर सकूं, या फिर उन सभी पवित्र स्थलों पर जाकर के। हर नेपाल का वासी भारत के अंदर चार स्थानों पर लगने वाले पावन कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ करके अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। जीवन में एक बार गंगा स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करने का आनंद लेता है। राष्ट्र जी की इकाइयां अलग अलग है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सब की एक भाव है, एक भावना है, दोनों में एक आत्मा का निवास होता है। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर भारत और नेपाल सदैव मित्र के रूप में कार्य करते हैं, और शक्तिपीठ पाटेश्वरी जैसी पीठ भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनता है। और आज महंत महेंद्रनाथ जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम के साथ भी ये संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वहाँ के सांसद भी और रतननाथ मंदिर से डॉक्टर नारायण नाथ जी महाराज भी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत की व्यवस्था में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने पूरी व्यवस्था को जीवन में पुण्य और पाप के साथ जोड़ा है। हम सब ने इसी को धर्म और अधर्म के रूप में माना है, और इस बात को माना है कि हम अच्छा करेंगे तो पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप के भागीदार बनेंगे। हमारे पाप के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। जो गलत काम हम करते हैं उस गलत काम के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, और उसका प्रतिफल भी हमें उसी रूप में प्राप्त होना है। और इसीलिए गलत काम करने वाले को उसके पाप से कोई वंचित नहीं कर सकता, और अच्छा कार्य करने वाले को उसके पुण्य से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये पाप और पुण्य की अवधारणा ही व्यक्ति को सत्य के पथ का अनुसरण करने, न्याय के मार्ग पर चलने, और इन सब के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो भारतीय मनीषा ने भारत को एक ही बात माना है कि हम अंततः धर्म के पथ का अनुसरण कर लें। धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं, एक केवल पूजा पद्धति नहीं है, जीवन में नैतिक मूल्यों को अपने अंदर धारण करना, जीवन में सत्य न्याय के पथ का अनुसरण करना, और जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वह अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहा है तो वही उसका धर्म है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म हमें सदाचार, नैतिक मूल्य और अपने स्वयं के कर्तव्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करता है। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है। पूजा पद्धति आपका एक व्यक्तिगत विषय हो सकता है,
उसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मंदिर नहीं भी जाते हैं, कुछ लोग देवी के भक्त होते हैं, कुछ लोग राम के भक्त होते हैं, कुछ लोग शिव के भक्त होते हैं, कुछ लोग सभी जगह चले जाते हैं, कुछ लोग सात्विक पूजा करते हैं, कुछ लोग तंत्र की परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। किसी के लिए भारतीय परंपरा इसको बाध्य नहीं करती कि आपको इसी मार्ग पर चलना है। जो जिसकी प्रकृति होगी, जिसकी रुचि होगी और जिसमें उसको अपने पद को और आसान बनाने में मदद मिलती है, वही धर्म का तत्व, धर्म सत्वम निहिति गुहायाम। ये बहुत सूक्ष्म है, हर व्यक्ति इसको जान नहीं सकता है। और इसीलिए कहा गया महासन एन कथ सपथ, महापुरुषों के द्वारा यानी ऋषि मुनियों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग का अनुसरण करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप सब जानते हैं महंत महेंद्रनाथ जी महाराज से पहले इस पीठ की व्यवस्था में तमाम उतार चढ़ाव चले, तमाम कठिन परिस्थितियां इसके सामने आती रही है, लेकिन महंत महेंद्रनाथ जी महाराज ने उस समय गोरखपुर में व्यवस्थाओं को जब देखा, क्योंकि उनको एक लंबे समय तक गोरखपुर में कार्य करने का एक अनुभव हुआ था कि गोरखपुर में गोरखपीठ की परंपरा में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत वेदनाथ जी महाराज ने कैसे धर्म, हमारे धर्म स्थल कैसे लोक कल्याण के माध्यम बनेंगे, वहां पर 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके शिक्षा के लिए एक व्यापक अलग जगाने का कार्यक्रम बनाया था। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज भी 50 से अधिक संस्थाएं संचालित होती हैं, 50,000 से अधिक बच्चे वहां स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 5,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और अनेक उन कार्यक्रमों को लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जिसमें हरेक बालक हो या बालिका, हम बालिका शिक्षा की बात आज कर रहे हैं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1956 में अपना पॉलिटेक्निक स्थापित कर दिया था, 1956 में पहला महाविद्यालय, पहला डिग्री कॉलेज की स्थापना कर चुका था, और बाद में जब लगा कि नहीं गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनना है, तो उस महाविद्यालय को, बालिकाओं के उस महाविद्यालय को और महाराणा प्रताप कॉलेज को उन्होंने प्रदेश सरकार को दान देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई। यदि ये कार्य लोक कल्याण के साथ जुड़े थे, क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने और उसके जीवन को सही मार्ग की ओर ले जाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है, और इसीलिए उस समय यह कार्यक्रम वहां पर चला। आपने देखा होगा बाद में हम लोगों ने 2012 के बाद यहां पर भी यहां के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा मिल सके, मां पाटेश्वरी के नाम पर इसी तुलसीपुर में एक आधुनिक विद्यालय खुलवाया, स्थापित कराया। इससे पहले नंद महरा में एक स्कूल प्रारंभ हो चुका था, वहां महेंद्रनाथ जी के समय में उस कार्यक्रम को वहां आगे बढ़ा दिया गया था। गोरखपुर में वनवासी बच्चों के लिए, जनजातीय बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम होने चाहिए, अपने ही समाज के लोग, अपने बंधु बांधव, समाज की व्यवस्था में कोई उन्हें गुमराह न कर सके, छल छल और धोखे से कोई उनका मतांतरण न कर सके, यह केवल एक तरफा कार्य नहीं हो सकता और इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दिया सकती है, लेकिन केवल शासन प्रशासन को कोसने से नहीं, हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किस रूप में कर रहे हैं। गोरखपुर में 1983-84 में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से पहले से ही वनवासी और जनजातीय बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना हुई, और 1983-84 में इस आश्रम में थारू जनजाति के बच्चों को, चाहे वहां भारत नेपाल की सीमा से हो, सोनभद्र मिर्जापुर से हो, यहां तक कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और उन क्षेत्रों से भी बच्चों को ला करके यहां पे उन्हें पढ़ाया जाता था, और उसके बाद फिर उसी तर्ज पर इस पीठ में भी 1994-95 से थारू जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना हुई, जहां पर बच्चे यहां पर
आकर के परिवार के लोगों से बच्चों को ला करके पढ़ाया जाता है। फिर अवकाश के दिनों में बच्चे अपने घरों को वापस जाते हैं और अब तो उनके लिए यहाँ पर एक विद्यालय भी स्थापित हो चुका है, जिस विद्यालय के माध्यम से उनको अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। गोरखपुर में उन्होंने देखा कि गोरखपुर में चिकित्सालय बहुत पहले से चल रहा है और अच्छी व्यवस्था के साथ चल रहा है। तो ऐसे ही देवीपाटन में भी चिकित्सालय की स्थापना होनी चाहिए, मंदिर का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए, गो सेवा का माध्यम करना चाहिए और भी अन्य कार्यक्रमों को उन्होंने उस समय प्रारंभ किया। और कहीं भी कोई समस्या आती थी तो उस समय गोरखपुर में आकर के ब्रह्मी महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करके वे निरंतर